थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम. मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं. मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं. लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन. सरल मार्ग सदैव लुभाता है परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है, एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है. तो ये है कि अत्यधिक प्रकाश भी व्यक्ति को दृष्टिहीन बना देता है. प्रकाश की चकाचौंध में उसे कुछ दिखाई नहीं देता. उसी प्रकार जब बुद्धि भी अधिक मात्रा में हो जाए, ज्ञान अधिक मात्रा में हो जाए, तो वो भी व्यक्ति को बाधित ही करती है. कि हम साधारण विचारधारा से परे होकर उचित अनुचित का मार्ग निर्धारित करें. और अब मैं ये संसार को सिद्ध कर दूंगी कि यदि व्यक्ति चाहे तो नियमों से परे उसके लिए एक मार्ग है. इच्छा से इसमें भाग लेना स्वीकार किया तो एक बात तुम भी जान लो कि मेरे अखंड भारत के निर्माण के पथ में इस अभियान की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है. प्रतिज्ञा आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति. जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है.